इस तरह यूएन ने 1992 में ये दिन मुनक्किद किया तो 1992 से आज तक ये दिन माजूरों के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज भी जिस तरह 3 दिसंबर है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसी तरह ये दिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका ज़िक्र यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि दौरे जदीद में भी बलूचिस्तान के माजूर अफराद को सहूलियात मुहैसर नहीं है, जिनका ज़िक्र कानून और आयन में है, जिसमें बलूचिस्तान के तमाम महकमों में माजूर अफराद का 5% कोटा शामिल है। इस पर सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ही अमल दरामद किया हुआ है और रोज़गार के हुसूल के लिए ज़रूरी है माजूर अफराद की असामियों के इश्तिहार हलाइदा मुश्तहर होता, ताकि माजूर अफराद को मालूम हो कि इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, और इसके साथ साथ माजूर अफराद को टेस्ट और इंटरव्यू में आसानी हो। और हुकूमत से ये भी मुतालिबा करते हैं कि खाली असामियों में 5% कोटा के हिसाब से जितनी असामियाँ बनती हैं इनको एक पैकेज के तहत मुश्तहर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माजूर अफराद को रोज़गार के मौके फराहम हो सके और माजूर अफराद भी आम लोगों की तरह मुल्क को कौम की खिदमत कर सके, और साथ साथ बेरोज़गार माजूर अफराद के लिए महाना वजीफा मुख्तस किया जाए, ताकि माशरे में इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सके। हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से मोरखा 21 जनवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुस्कुरा नोटिफिकेशन में मुलाजमतों में 5% कोटे, तालीमी इदारों में 50% फीस माफ़ी, प्राइवेट अस्पतालों में 50% रायत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में माजूर अफराद के लिए 50% रायत, तमाम बिल्डिंग में रैम्प का होना लाजमी करार दिया गया था। हुकूमत बलूचिस्तान से अपील करते हैं मुस्कुरा नोटिफिकेशन को फिल फोर तमाम सूबों में नाफिस किया जाए। इसको नाफिस करने से माजूर अफराद के मसाइल में खातर ख्वाह कमी आ सकती है। साल 2017 में बलूचिस्तान डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से एक बिल बलूचिस्तान असम्बली से पास हुआ था। इस एक्ट को फिल फोर नाफिस किया जाए ताकि माजूर अफराद की हक तलफी ना हो। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मशकूर हैं कि उन्होंने माजूर अफराद के मुलाजमतों का 5% कोटा का नोटिफिकेशन जारी किया और 2000 रुपये स्पेशल अलाउंस बलूचिस्तान के माजूर मुलाजमीन की तनख्वाह में फिक्स किया गया है। बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 500 ट्राई मोटरसाइकिल माजूर अफराद को फराहम कर दिए गए, जिससे सैकड़ों ख़ानदान मुस्तफीद हुए हैं, जो कि एक इंतहाई अहम कदम है और माजूर अफराद मुस्तकबिल में बलूचिस्तान हुकूमत से यही उम्मीद रखती है कि वो आगे भी हमारे मसाइल को कम करने में ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिनसे माजूर अफराद के मसाइल में खातिरख्वाह कमी आए। थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आगा साहब। सबसे पहले अपने डीपीओस के जो आपने क्वेश्चन में कुछ चीज़ें इस तरह ऐड किए कि हमारे डीपीओ के हवाले से, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी डीपीओ आज तक ना कि कोई प्रोजेक्ट लिया है, ना गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंडिंग है, ये हम वॉलंटियरली चला रहे हैं। तो ये चीज़ बात रही आबादी की, यही हमारा मुतालिबा था। आपको बेहतर मालूम है कि हमने 36 दिन 2017 में एहतजाज किया डे नाइट, और उस चार्टर ऑफ डिमांड में हमारा ये चीज़ भी शामिल था कि आप हमें, उस वक्त सेंसिस चल रही थी कि आप सेंसिस का जो फॉर्म है उसमें अलग डिसेबल अफराद के लिए खाना दे दे ताकि बलूचिस्तान में जितने भी अफराद वहाँ मजूर है वो काउंट हो सके। तो ये वक्त जिसकी भी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये हमारी मुतालिबात को नहीं मानी, तो इस वजह से अभी डिपार्टमेंट भी कन्फ्यूजन में है और गवर्नमेंट भी कन्फ्यूजन में है, हम खुद कन्फ्यूजन में हैं। जो जिम्मेदार इदारों की रिपोर्ट है, जिस तरह आप WHO ले लें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हर 100 में 10 अफराद डिसेबल है,
10 افراد ڈسیبل ہے. بلوچستان کی جو ہم نے والنٹیرلی ورک کی ہے, زیارت تک گئے ہیں, تربت تک گئے, آواران تک گئے, مستونگ تک گئے, پشین تک گئے, کوئٹہ میں جو ہمارے سینٹرل آفس ہے, یا جب دوست آتے ہیں مختلف ضلعوں سے ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں, وہ ابھی تک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر نہیں ہے. سوشل ویلفیئر کی پالیسیز میں رجسٹریشن کی تھوڑی سختی یہاں پہ اس طرح ہے کہ اس میں بھی ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ رجسٹریشن کا ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. جس طرح آپ کو میں فزیکل ڈسیبل نظر آ رہا ہوں, بس آپ ہمیں ایڈ کر دے دیں اور مجھے ڈسیبل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. تو انہوں نے ابھی تک ڈپارٹمنٹ یہ چیز اس چیز کے ذمہ دار ہماری سوشل ویلفیئر, چونکہ ہمارا نمائندہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ذمہ دار ہے. انہوں نے ابھی تک اس پہ کوئی خاص وہ ایکشن نہیں لیا اور نہ کرتے. بار ہاں ہم سیکرٹری تک گئے, ڈی جی تک گئے. نہیں نہیں نہیں, اس طرح بالکل نہیں. آغا صاحب ہم تو اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے, تو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں نا, ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں واپسی آپ سڑکوں پہ مجبور نہ کریں کہ ہم پھر کفن پوش ریلی کے ساتھ پھر اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائے, کورٹ کے سامنے بیٹھ جائے, گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائے. اسی لیے جو ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے ہم سمجھا کہ آج چونکہ آج ہمارا دن ہے, یہ اصل میں مذاکرات کی دن ہے, ہمارے ساتھ گفت و شنید ہونی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم آپ کے مطالبات حل کریں گے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں, اگر اس کے بعد یہی سست روی رہی ہماری پالیسیز میں تو پھر ہم واپس سڑکوں پہ آئیں گے.